अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सौ श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग एज पाक आर्मी स्केयर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी से हार जाए या फिर डर जाए? तो चलती है, चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और फिर उसके ऊपर हम भी डिस्कशन करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो चैनल का लिंक, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते तो देन दैट इज वो करें, उसमें कौन रोक सकता है उनको। देख, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दो आतंकियों को यहां ढेर कर दिया गया है। कर्नल के बेटे ने सेना की वर्दी पहनकर अपने पिता की शहादत को नमन कर आखिरी सलाम किया। का जवाब पत्थर से देंगे, 3 करोड़ से देंगे। निगलेगा मोदी पूरे के पूरे पीओके को हनुमान जी की तरह। कैसा लगता है भारत की कामयाबी को देखते हुए एज अ पाकिस्तानी? हमें तो बुरा ही लगेगा, पाकिस्तानी है। बुरा क्यों लगेगा हमें अगर वो कामयाब होगा तो? मैं चाहता हूँ कि पूंछ ही काटी जाए, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है इस पागल कुत्ते जिसका नाम है पाकिस्तान। इसका इलाज एक ही है, इसकी पूंछ को अब काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये चूं चूं करता रहेगा और ये हमें तंग करता रहेगा। ये इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जो कोई भी भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा उनके कलेजे में हम गोलियां दाग कर रहेंगे। कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों का एनकाउंटर किया जा रहा है इंडियन आर्मी की जानिब से, अभी तक पीएम मोदी या उनके किसी ऑफिशियल ने इस बारे में बात नहीं की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। आपके आप पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। अलापोर्ट के टाइम पे क्या न्यूक्लियर पावर नहीं थे? दोनों थे, तब भी किया, तो अब क्या प्रॉब्लम है कि वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे गोले मार रहे हैं, आरबीजीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखे ना, ये कामयाब नहीं होंगे, ये मारे ही जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कश्मीर से। अभी तक सेना ने 2 आतंकवादियों को ठोक दिया है और दोस्तों चप्पे चप्पे पे कश्मीर में नजर रखी जा रही है। घाटियों में घुस घुस के, जंगलों में घुस घुस के, पहाड़ों के बीचों में जा जाके इनको मारा जा रहा है एक एक करके। और जो आतंकवादी पाकिस्तान में भाग रहे हैं उनको भी पीओके तक पाकिस्तानी लाइन क्रॉस करके ड्रोन से मारा जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बार सेना क्या एक्शन लेगी। दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक की रही बात, तो पाकिस्तान भी डरे हुए हैं और मान भी रहे हैं कि भारत किसी भी टाइम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और भाई आप लोगों को पता है ये सब कौन करवा रहा है? अभी हाफिज सईद का टॉप कमांडर भारत के रो ने मारा था, उसी का बदला लेते हुए इन्होंने अवैध तरीके से रात में अपने आतंकवादियों को 10-15 आतंकवादियों को भारत में भेजा था। उनको मारने के बाद भारत गुप्त रूप से सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है और ये स्ट्राइक ऐसी होगी कि पिछली बार की तरफ शायद मीडिया पे नहीं उछाली जाए, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब बालाकोट स्ट्राइक मीडिया पे आई थी तो यूएन तक मसला चला गया था। तो इस बार भारतीय सेना, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स का एक मैंने रिपोर्ट देखा है कि गुप्त तरीके से भी एक एयर स्ट्राइक की जा सकती है जिसमें आतंकवादी ठिकानों को जो ड्रोन से देखे गए हैं उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के वैसे तो मैक्सिमम लोग मानते हैं कि हाफिज सईद वगैरह ही भारत में कश्मीर में अशांति फैलाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ पैनलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करते हैं, उनके आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भारत में जो आतंकवाद हो रहा है वो पाकिस्तान की देनी है। आप लोग देखिए वीडियो, दोबारा दोहराए जाने वाला है, कल से ही ये खबरें आ रही है, क्या कहेंगी आप इस पे? वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है, वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हमने कई बार ये बात कही है कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही और वही है पाकिस्तान। ये कभी नहीं सुधरेगा। हर रोज 4 लोग अगर चैनल पर बैठ करके ये कह देते हैं कि हम भी अच्छे हो जाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अपने कुरान में होली वॉर पढ़ा है, आपने अपने कुरान में जिहाद पढ़ा है। आपको नहीं पता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, आपको नहीं पता है कि इंसानियत क्या होती है। दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। एक माँ जिस हिसाब से रो रही है, उस माँ को उस माँ के बारे में सोचने में नहीं आया? बम लगा करके, गोली लगा करके जिस्म पर निकल जाते हैं ताकि हम शहीद हो जाएंगे तो हमको 72 वर्जिन हूरे मिलेंगी आसमान पे। शेम ऑन पाकिस्तान, शेम ऑन। देखिए अगर एक एक गवर्नमेंट है, वो कहते हैं
इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं। अब वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है, वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा। जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर जंग में मरने के लिए आए हैं ये, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है। ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसबैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। वो ये भी कह रहे हैं, वहां से भी कहा जा रहा है और बताया जा रहा है, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो टेररिस्ट जिनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है ये हाफिज सईद के लोग हैं। हाफिज सईद का जो राइट हैंड मारा गया था और वो जो था अबू कासिम, उसके वजह से ये बदला लिया जा रहा था और इस वजह से टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और इलेक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इलेक्शन के बगैर भी इस तरह की एक्टिविटीज तो रही है हमारे यहाँ से, जो नॉन स्टेट एक्टर हम कहते रहे वहां पे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये कब तक कोई कंट्री बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे यहाँ से आ रहे हैं तो हमें ही मारेंगे ना, कोई चाइना को और नेपाल को या अमेरिका को थोड़ी मारेंगे जो आप बात कर रहे थे इससे पहले। तो पाकिस्तान इसके ऊपर क्यों काम नहीं करता कि शिकायत ना हो? हमारे यहाँ ये लोग मौजूद है ना, ये सारे हाफिज सईद और इस किस्म के लोग। हाफिज सईद किधर है? पाकिस्तान में है ना। नहीं, किधर है वो इस वक्त? पाकिस्तान में तो है, किधर है? असर कहा तो ये जा रहा है कि जेल में, लेकिन जेल में बहरहाल नहीं है, बताया ही है कि कहीं हाउस अरेस्ट है। लेकिन मैं सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं कर रही, मैं और लोगों की भी बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में डिफरेंट नाम लेते रहते हैं, हमारे इंडियन मीडिया के लोग भी और बाकी लोग भी जो पाकिस्तान में है। तो एक टेरर फैक्ट्री जो कही जाती है पाकिस्तान को, अब हम उसे माने या ना माने, लेकिन ये सब बात करके इस वक्त जो हंगामा वहां पे चल रहा है, कई लोगों की जो जाने गई इंडियन फौजियों की, तो उसके ऊपर जाहिर है अगर इंडिया रिएक्शन करता है तो आपके ख्याल से फिर क्या होगा? फिर ये दोबारा से सब बातचीत, बायकॉट और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा? उसका कोई हल निकलेगा या बैठ के बात करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए? कब बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की? तो कोई बात नहीं हो रही। क्या इससे पीछे और इंडिया किधर जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल सर, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। नहीं नहीं, कब खेल रहे हैं? उन्होंने तो पाकिस्तान की एक नहीं मानी। उनको तो नजम सेठी ने ये कहा था कि श्रीलंका में मौसम ठीक नहीं होंगे, बारिशें होगी, यूएई में मैच करा लो, मौसम तो अच्छा होता है एटलीस्ट, क्योंकि ये उस टाइम मौसम अच्छा नहीं होगा। तो वो शाह साहब ने कब माना बीसीसीआई के जो है? सो वो कौन सा क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारे लिए कब खेलते हैं? वो तो खेल रहे हैं उसके लिए, एशिया कप में टीमें हैं। उन्होंने कौन सी पाकिस्तान की उन्होंने अपनी टीम भेजी है? कब कोई टीम भेजी है उन्होंने? कोई टीम नहीं भेजी उन्होंने। वो अपनी बात पर ठीक रहे, अटे उन्होंने कहा जी इससे और पीछे क्या जाना है? ये तो नहीं कह सकते कि हमने एशिया कप में खेलना ही नहीं है भाई। एशिया कप में ये भी नहीं कह सकते कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट आ रहा है अभी इंडिया में, अगले मुझे महीने पता चला मैच हो रहा है कि जी हमने पाकिस्तान को नहीं बुलाना। पाकिस्तान को इंडिया कहने पे थोड़ी जा रहा है, हम तो आईसीसी के कहने पे जा रहे हैं। एवरी कंट्री इज गोइंग इन इंडिया फॉर द आईसीसी से। सो इफ इंडिया वॉन्ट्स टू स्टेप बैक फ्रॉम दिस पोजिशन, दे हैव एब्सोल्युटली एवरी राइट टू डू दैट। उनको कर लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ चीज रह गई है इससे पीछे जाने की। देखिए एक बात बताऊं मैडम, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब है, बट पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट है। ये नहीं है कि जिसका जब दो दिल करे कहना शुरू कर दे। या देखें अफगानिस्तान बड़ा माड़ा है ना, पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानता। वो आप माड़े ही समझते हैं ना उसे, यार क्या यार एक स्टेट भी नहीं है दुनिया में, कोई रिकग्नाइज भी नहीं करता, ये ऐसे कोई किसी की बात, वो पाकिस्तान की बात मानते हैं। अब मैं तो कहता हूँ 50 साल जाया कर दिए हमने अफगानिस्तान पे। कहने का मकसद ये है कि अब भारत का जो ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, ये अब बिल्कुल इसके दिन गिने जा चुके हैं। ये बहुत जल्द जो है शामिल होगा। मेरे पास कुछ अंदर की भी खबरें हैं जो मैं जाहिर है कि यहाँ शेयर नहीं कर दोस्तों सकता। से ये था हमारा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे के ऊपर बल्तिस्तान को शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि उनके ऊपर हमला किया गया है। ये कल की और या परसों की न्यूज है जो कि मैंने सुनी भी थी, और काफी मेरे फ्रेंड्स थे जो इसके ऊपर कह रहे थे कि इसके ऊपर आप वीडियो भी बनाएं। बट मैं, मेरी क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी डाउन चल रही है, मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो इस वजह से मैं उस पर ज्यादा वीडियोज नहीं कर पा रही हूँ। और लेकिन अभी क्योंकि ये वीडियो थी तो मैंने कहा चलो इस पे हम बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो मेन चीज है ना वो ये है कि देखो, आर्मी होती है अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन लड़ाई वही होती है जो आमने सामने से लड़ाई की जाए, लड़ाई वही होती है। अब इंडिया की आर्मी जो है वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रही है, ठीक है। तो
हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन आर्मी सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है, वो जो भी करेगी वो अपनी कंट्री को सेव करने के लिए ही करेगी, क्योंकि उनको हायर ही इसीलिए किया जाता है, उनको इतनी मेहनत से इतनी सख्त सख्त जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, और एक आर्मी को भी ये आइडिया होता है कि उन्होंने किस वजह से उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं और इतना किस ये बर्दाश्त कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तो वो भी अपनी कंट्री के लिए ही लड़ रहे हैं, अगर वो जो है उनको भी ट्रेनिंग यही बताकर दी जाती है कि उन्होंने अपनी कंट्री को सेव करना है, और ये सारी इतनी मुश्किल मरहलात से आप जब गुजरते हो तो उनको आइडिया होता है कि उन्होंने बाद में क्या गेन करना है और उनके क्या प्राइस होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आर्मी किसी भी कंट्री की हो वो बुरी नहीं होती है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उनको हमारा दिल से रिस्पेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है, जब बात है लड़ने की तो आमने सामने से लड़ा जाए वो ज्यादा बेहतर होता है। इस तरह से हमला करके लड़ने वाली बात जो है ना वो थोड़ी सी वो कायरी में आ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं या आर्मी है, मुझे लगता है कि देखो इंडिया और पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क हैं, दो ऐसी कंट्रीज हैं जो अगर मिलकर काम करें तो सोचो ये कंट्रीज पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करके बहुत अच्छा अर्न कर सकती है, बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के पास ऐसी जमीन मौजूद है जो कि शायद किसी और कंट्रीज में मौजूद नहीं है, और हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। तो इस लिहाज से हमें ये हमारे लोगों को चाहिए कि हम लोगों को लड़ाई फसाद से बेहतर ये है कि बिला वजह की लड़ाइयां या कोई भी ऐसी चीजों से बेहतर यह है कि एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर अपने कारोबार पे फोकस किया जाए। दुनिया को दुनिया से हमें फायदा उठाने की जरूरत है। और दूसरी ये बात है कि जो लोग की जाने जा चुकी हैं तो देखो वो भी किसी की माँ है, किसी की माँ, किसी माँ का बेटा है तो किसी का शौहर है तो किसी का भाई है, तो हमें उनकी जो है उनके लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि उन लोगों की जाने गई हैं। तो किसी की भी जान जाए, भले वो कोई आम इंसान हो चाहे वो कोई आर्मी का बंदा हो, तो हमारे लिए उतना ही दुख की बात है। जाहिर सी बात है ये किसी की जान गई है, इंसानियत की जान गई है, और स्पेशली वो लोग जो अपनी कंट्री के लिए हमारे लिए जो है वो अपनी जानें जो है वो कुर्बान करने के लिए सरासर सर पूरा दिन पूरी रात जो है वो ड्यूटीज देते हैं, इतनी हार्ड ड्यूटीज होती हैं, वो कोई वेदर को नहीं देखते, तो इन लोगों के लिए दिल से रिस्पेक्ट होती है, लेकिन इनकी इनके इनकी जाने जाना ये कोई हल नहीं है। और हाँ कोई जंग है कोई बड़ी होते उसमें समझ आता है कि चलो वो जाने अनजाने में हो गया, लेकिन अगर इंटेंशनली इस तरह से किसी की जान लेता है चाहे वो पाकिस्तान इंडियन आर्मी के लिए या इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के लिए, उसमें दुख होता है कि यार नहीं, ऐसे बिला वजह किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और बाकी जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हैं वो आपस में मिलकर उसको डिस्कस कर लेना बेहतर होगा, और बॉर्डर्स की अगर रिगार्डिंग में कोई इश्यूज है उसको भी मिलकर ही रिजॉल्व किया जाए। अभी क्योंकि देखिए जहां तक मुझे लग रहा है तो इंडिया और पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप में भी एंट्री होने वाली है मैचेस में, तो इससे हो सकता है कि पाकिस्तान से रिगार्डिंगली काफी पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स आए, तो रिलेशंस में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब एशिया कप में जाए, लेकिन जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसके लिए शायद इंडिया बैन भी कर सकती है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं जाहिर सी बात है इंडिया से बहुत ज्यादा गुस्से में भी होगा। लेकिन वहीं पर ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है, देखो पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जब इंडिया गया था तो तब भी कोई ना कोई इश्यूज आए थे, ठीक है, और तब भी इस तरह का ब्लास्ट सुनने में आ रहा था, अभी भी देखो इस तरह के सुनने में आ रहे हैं, और जब भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई अच्छी चीज होने जाती है तब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए दोनों गवर्नमेंट्स को, और इन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी और बात की तह में भी जाना चाहिए, और उसके बाद कोई एक्शन उठाना चाहिए, और जो भी बात हो वो बातों से ही हल हो सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई प्लानिंग की गई हो किसी की तरफ से या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जब भी कोई अच्छे रिलेशन होने स्टार्ट होते हैं तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी दिल से बहुत दुख हुआ इंडियन आर्मी जो नौजवान की डेथ हुई है, शहीद हुए हैं, और जितने भी शहीद होते हैं जितनी भी आर्मी किसी भी आर्मी किसी भी कंट्री की आर्मी की डेथ होती है शहीद होते हैं तो उनके लिए दिल से दुख होता है।
तो बस ये है कि वो तो चले गए, लेकिन उनकी फैमिलीज जो है उनको ये पूरी जिंदगी दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन सल्यूट है कि वो लोग फिर भी ऐसी जॉब्स पे भेज देते अपने बच्चों को।